कुरान में चैप्टर 6 लाइन से लैंग्वेज पर है, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन पहले मैं फिगर बना देता हूँ। OP COD और ये है ई। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन गिवन मैं लिख देता हूँ, जो एंगल एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 7 एंड बी ओ डी इज इक्वल टू 180 = 40। अब मैंने आपको मेन चीज बता दी, आपको फाइंड क्या करना है, एफ बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स सी ओ ई। लेट्स स्टार्ट। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वी ओ इज इक्वल टू वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके सो अब 40 हो गई। सो ऊपर दिया था मैंने ए ओ सी प्लस बी ओ ई जो 70 है। सो आपको इसकी वैल्यू ए ओ सी की पता चलेगी जो 40 है, और एंगल बी ओ ई को ऐड करके आ जाएगी 70। सो एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 30। ओके एंड नाउ हैव टू फाइंड द रिफ्लेक्स सी ओ ई। सो ए बी एक लाइन है, और लाइन में तो हमें पता था ऑल एंगल्स आर 180। सब सभी एंगल्स 180 होंगे तो ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ वी हो जाएंगे 180 के बराबर। सो मैं बी ओ ई लिख देता हूँ। मैंने बी ओ ई की आपको वैल्यू बता दी थी, और ए ओ सी जो 70 है प्लस सी ओ ई इज इक्वल टू 180 एंड सी ओ ई इज इक्वल टू 110। टू फाइंड रिफ्लेक्स ई इज इक्वल टू 360 माइनस 110। 110 क्या है, सी ओ ई की वैल्यू डालनी है यहाँ पे 360 में माइनस कर, तो आपका आ जाएगा आंसर जो 250 है। फर्स्ट क्वेश्चन तो आसानी से हो गया, सेकेंड क्वेश्चन भी बहुत आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है। एक्स वाई एक लाइन है और ये पी है, ये 90 है, ये ए है और ये बी है, ये लाइन एम एन है और ये सी है। सीधा कर देते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है पी ओ वाई 90 के बराबर है। सो मैंने वीडियो पॉज कर देखी,
सो मैंने लिखा एंगल ए प्लस बी इक्वल्स टू 90। सॉरी हमें फाइन हमें सी करना था, ए की ए रेशो बी इज इक्वल टू 2:3, हमें ये गिवन है और टू ए को 2x मानते हैं और बी को 3x। सो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90, 5x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 18, ए इज इक्वल टू 2 × 18 क्योंकि 2x है तो x की वैल्यू 18 है। 36 बी इज इक्वल टू 3 × 18 72। अब हमें सी की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए एक सेकेंड का ब्रेक। सो एमएन एक लाइन है जिसमें बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 है क्योंकि ऑल द एंगल्स इन अ लाइन इज इक्वल टू 180। सो बी की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता चल गई है जो 72 है और सी की नहीं पता। 72 प्लस सी इज इक्वल टू 180, सो सी इज इक्वल टू 180 माइनस 72, सो सी क्या आ रही है 126। ये भी काफ़ी आसान था। सो लेट अस डू द थर्ड क्वेश्चन। सो इन द थर्ड क्वेश्चन फिगर ये है, क्वेश्चन में ये है कि पी क्यू आर पी आर क्यू के बराबर हमें अप्रूव है पी क्यू एस इक्वल्स टू पी आर टी। सो पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस इक्वल्स टू 180 लीनियर पेयर एंड पी आर क्यू प्लस पी आर टी इज इक्वल्स टू 180 लीनियर पेयर। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है एंड पी क्यू आर इज इक्वल्स टू पी आर क्यू। सो हम आगे क्या करेंगे, सो यूजिंग वन एंड टू इक्वेशन आप ध्यान से देख लेना, पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस इज इक्वल्स टू 180, सो 180 एंड पी आर क्यू प्लस पी आर टी दोनों 180 इक्वल है तो मैंने दोनों को इक्वल मान लिया। पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू ऑलरेडी गिवन था स्टार्टिंग में, सो पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी हैंस प्रूव। मैंने क्वेश्चन के साथ कलर भी चेंज कर लिया। तो क्वेश्चन फोर कहता है, फिगर आप देख सकते हो ए बी और सी डी एक्स वाई और डब्ल्यू जेड। क्वेश्चन फोर में गिवन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड एंड प्रूव दैट ए ओ बी एक लाइन है। अब आप सबको बताया एंगल अराउंड अ पॉइंट इज इक्वल टू 360, तो मैंने यही करा है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये ऑलरेडी गिवन था इज इक्वल टू था वहाँ पर, मैंने यहाँ पे डब्ल्यू प्लस जेड करा इज इक्वल टू 360 बिकॉज एंगल अराउंड अ पॉइंट इज इक्वल टू 360। अब एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, तो इनको एक्स प्लस वाई लिखो या डब्ल्यू प्लस जेड एक ही बात है। तो मैंने एक्स प्लस वाई लिख के करा 360 है तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई 180। ओके बट एक्स और वाई तो लीनियर पेयर है तो एरिया हेंस ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन, बट एक्स एंड वाई आर लीनियर पेयर एंड हेंस ए ओ बी इज अ लाइन। सो क्वेश्चन फाइव में है गिवन पी क्यू एक लाइन है जिस और प्रूव करना हमें आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ क्यू एस माइनस पी ओ एस। सो अब फर्स्ट इक्वेशन होगी हमारी क्यू एस माइनस आर ओ एस इक्वल टू 90 डिग्री फर्स्ट इक्वेशन है, और सेकेंड इक्वेशन होगी आर ओ एस प्लस पी ओ एस इक्वल टू 90 डिग्री सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, सो यूजिंग वन एंड टू पी ओ एस प्लस आर ओ एस इज इक्वल टू क्यू एस माइनस आर ओ एस क्योंकि दोनों 90 तो इक्वल में रख दिया मैंने। आर ओ एस को इधर साइड लेंगे तो ये प्लस आर ओ एस हो जाएगा तो 2 आर ओ एस, और पी ओ एस को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। सो आर ओ एस को इधर हाफ नीचे ले जाएंगे तो हाफ डिवाइड बाय हो जाएगा तो हाफ क्यू एस माइनस पी ओ एस, हैंस प्रूफ। फिफ्थ क्वेश्चन भी होगी, अब सिक्स्थ करना है, इसके बाद ये एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। सो सिक्स क्वेश्चन में आप फिगर देख सकते हो एक्स वाई जेड की वैल्यू 64 है और हमें फाइंड करना है एक्स वाई क्यू और रिफ्लेक्स वाई क्यू पी। सो हमें गिवन है कि वाई क्यू बाईसेक्ट जेड वाई पी, सो जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी इक्वल है तो हम इन दोनों को एक्स लेके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको भी और इसको दोनों एक्स ले लिया, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे सॉल्व कर। सो इसमें सिक्स में 64 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 बिकॉज एक्स पी एक लाइन है। 64 प्लस 2x इक्वल्स टू 180, सो 2x इक्वल्स टू 116 आ रहा है, एक्स की वैल्यू 58 आ गई। एंगल एक्स वाई पी इक्वल्स टू 122 रिफ्लेक्स, तो आपको एक्स वाई पी की वैल्यू पता लगी, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी की वैल्यू 360 माइनस क्यू वाई पी 360 माइनस 58 इज इक्वल टू 302। इसी के साथ हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो गई, अब हम बढ़ते हैं सेकेंड एक्सरसाइज की अगले वीडियो में। बाय बाय।